हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट. इन दिस वीडियो आई विल कंप्लीट डू योरसेल्फ 10 ऑफ जीके वर्कबुक बीइंग इको कॉन्शियस यानी पर्यावरण के प्रति जागरूक होना. बी श्योर दैट यू डू नॉट ऐड टू द पॉल्यूशन बाय योर एक्टिविटीज. मींस यह निश्चित करें कि आप अपनी गतिविधियों से प्रदूषण को न बढ़ाएं. स्टॉप A friend, if you find him her indulging in such activities, means एक दोस्त को भी रोकें यदि आप उसे इस तरह की गतिविधियों से लिप्त पाते हैं. See the picture below and write the types of pollution they cause, means नीचे दिए गए चित्रों को शुरू करें और प्रदूषण के प्रकारों को लिखें कि किस कारण से कौन सा प्रदूषण होता है. पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में आपको लिखना है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट लैंड पॉल्यूशन. लैंड पॉल्यूशन को हम सॉइल पॉल्यूशन भी कह सकते हैं. हाउस होल्ड गार्बेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट लीड टू द लैंड पॉल्यूशन. जो घर का कूड़ा और जो इंडस्ट्रीज का कूड़ा कचरा होता है, जो सॉइल में जाके मिलता है, उसे हम सॉइल या लैंड पॉल्यूशन कहते हैं. Now we learn about water pollution. Water pollution occurs when dangerous substances like chemical fertilizers enter into water body. जब ये fertilizer और chemicals पानी में मिलते हैं, इससे पानी दूषित होता है, इसे हम water pollution कहते हैं. Now we learn about air pollution. Air pollution means when natural air mix with water vapors, nitrogen and smoke makes air pollution. जब natural air में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे nitrogen या abnormal substance, तो air को गंदा करते हैं और air pollution इससे बढ़ता है. Now we learn about noise pollution. Noise pollution refers to the excess amount of noise in the surrounding that डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस. यानी बहुत तेज साउंड से जो नेचुरल बैलेंस होता है, उसमें हमें डिस्टर्बेंस होता है, इसे हम नॉइज पोल्यूशन कहते हैं. इन पिक्चर फर्स्ट आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ पोल्यूशन इज दिस. फर्स्ट में नॉइज पोल्यूशन, सेकेंड लैंड या सॉइल पोल्यूशन, थर्ड पिक्चर में लिखेंगे एयर पोल्यूशन, फोर्थ सॉइल या लैंड पोल्यूशन, फिफ्थ में लिखेंगे नॉइज पोल्यूशन, सिक्स में लिखेंगे वाटर पोल्यूशन, सेवन्थ में लिखेंगे एयर पोल्यूशन, एट में लिखेंगे वाटर पोल्यूशन, नाइन में लिखेंगे लैंड या सॉइल पोल्यूशन. नाउ वी रीड डू योरसेल्फ 11 चाइल्डहुड स्टोरीज यानी बचपन की कहानियाँ. Each picture below is related to the famous story. हर picture प्रसिद्ध कहानी से जुड़ी हुई है. Mention the name of the story under each picture. आपको हर picture के नीचे उसकी story का name mention करना है. तो first picture में आप देख सकते हो किसकी है, The Fox and the Grapes. ये famous story है, The Fox and the Grapes. यहाँ पर हम लिखेंगे द फॉक्स एंड द ग्रेप्स. सेकंड पिक्चर में फेमस स्टोरी है द लायन एंड द माउस. इन थर्ड पिक्चर यू कैन सी वॉल्फ एंड द क्रेन. दिस इज़ द फेमस स्टोरी द वॉल्फ एंड द क्रेन. ये फेमस स्टोरी है वॉल्फ एंड द क्रेन की. फोर्थ पिक्चर में लिखेंगे द हेयर एंड द टॉर्टॉइज. यहाँ पर हम लिखेंगे द हेयर एंड द टॉर्टॉइज. डियर स्टूडेंट, इट इज़ इनफ फॉर टुडे. नाउ कंप्लीट योर टुडेज वर्क इन योर जीके वर्कबुक. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. बाय बाय.